नमस्ते, रीति रसोई घर में आपके स्वागत है। आज हम सूरन के सब्जी बनाने वाले, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है सूरन, सूरन बोलते हैं तो कोई इसको ओल कोचू भी कहता है। तो ये है सूरन, आज हम इस सूरन का सब्जी बनाने वाले, तो कैसे बनेंगे आपको बताएंगे। तो ये रहा 100 ग्राम हरी मटर, और हमें चाहिए धनिया, थोड़ा सा धनिया, और 5 से 6 हरी मिर्च, और एक लहसुन का गुच्छे को ऐसे कूट लिए, और थोड़ा हल्दी नमक, और थोड़ा कलौंजी, और 2 चुटकी जीरा। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से कट करके, मोटे मोटे कट करके इसे फेंकेंगे। अच्छे से छीलना ज़रूरी है। दोस्तों, हमने इसको साफ कर लिए, छिलके निकाल दिए, अच्छे से छिलका निकालना चाहिए। ये देखिए, छिलके निकाला, और इसको ऐसा भिजा है तो इसको इस तरीके से काट के आप अपने बगीचे में उगा भी सकते हैं। अभी बारिश का मौसम है, ये फिर से उग जाएगा, तो गमले में या बगीचे में आप इसको उगा सकते हैं इस तरीके से। तो हम इसको अच्छे से 2-3 बार वॉश करने के बाद इसको कद्दूकस करेंगे। दोस्तों, हमने कद्दूकस कर लिया, और अब इसको गर्म पानी में एक बार वॉश करेंगे। तो चलिए गर्म पानी की ओर। खोलते हुए गर्म पानी में थोड़ा सा नमक दीजिए, और इसको धीमी धीमी इसमें डाल दें, और डालने के बाद इसको तुरंत पानी को फेंक दें, यानी छाक लें। और हाँ, जो नई है, पहली बार कटिंग करेगा तो वो हाथ में तेल ज़रूर लगाए, नहीं तो ये काटने का बाद हाथ में इचिंग होता है हाथ में, तो तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद काटेंगे तो हाथ में इचिंग नहीं होगा। तो इसको उबाल आने तक तुरंत इसका पानी निकाल देंगे। खोलता हुआ गर्म पानी में इसको सिर्फ 15 सेकंड ही रखना है, ज़्यादा आपको नहीं रखना है। तो ये इस तरह हुआ, और इसका पानी भी देख लीजिए कैसे गाढ़ा होकर निकल गया। तो ये पानी निकल जाएगा तो इचिंग होने का डर नहीं है। और ज़्यादा पकाएंगे तो ये पूरी तरह पिघल जाएगा, तो खाने का लायक नहीं रहेगा। तो अब ये खाने के लिए लायक है, तो चलिए हम कढ़ाई की ओर जाते हैं। मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें तेल रख दिया कढ़ाई में, तेल गर्म हो चुका है। और इधर देखिए, थोड़ा सा 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी में ये मटर जाएगा अभी फ्राई होने। मटर चटकता है तो आप सुन ही सकते हैं कितना चटक रहा है, इसलिए तुरंत इसको कवर कर दिया। और हो सके तो बड़ी ही सावधानी से इसको ऐसे ऐसे करके होगा। थोड़ा सा हल्दी और नमक इसलिए दिया तो इसमें हरा मटर का स्वाद बढ़ जाता है। तो इसे निकालने का टाइम हो गया है, तो देखिए ये फ्राई हो चुका है, तो हम इसको निकालेंगे बड़ी ही सावधानी से। ये है 100 ग्राम तेल, थोड़ा सा लग गया है गरम। अब जाएगा इसमें ये कलौंजी और जीरा। जीरा को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा चटकता है आपको छोड़ देना है। और अब जाएगा इसमें लहसुन, ये थोड़ा सा भुनिए, 1 मिनट तक, ज़्यादा नहीं। दोस्तों, अब जाएगा ये सूरन। साथ ही में ये हरी मिर्च भी डालेंगे, साथ ही में जो हमने नमक और हल्दी रखे ना, वो भी अभी डाल देंगे। और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह सूख ना जाए। ये पहले उबल चुकी है तो ज़्यादा टाइम अभी नहीं लगेगा। तो मैंने जो जो डाला ठीक से मिक्स करना जरूरी है। तो इसे ना धीमी आंच में, आपको धीमी आंच में 10 मिनट तक इसको पकाना है टाइम लेके। आपके पास नॉन स्टिक का होगा तो शायद अच्छा बनेगा, और मेरे पास नॉन स्टिक इस नहीं है,
तो मुझे इसी में पकड़ना पड़ रहा है। तो ये अब मटर इसमें डालेंगे। जिन लोगों को पसंद नहीं है वो एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर करें। अब इस मटर को इसमें डालेंगे। अब इसमें जाएगा धनिया, ये हरी धनिया डाल के 2 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों ये हो गया, तो हम गैस को बंद करेंगे और इसे डिश आउट कर देंगे। दोस्तों हमारा सूरन का सब्जी बन के रेडी हो गया, तो आप ऐसे घर में ट्राई कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, ये चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ या टिफ़िन में कहीं भी ले जा सकता है। और दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ये आपका ज़रूर पसंद आएगा, तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए।